रेलवे ग्रुप डी के चंडीगढ़ बोर्ड से हाथ जोड़कर निवेदन है पाठशाला रेलवे एग्जाम की टीम का और मेरा भी यानी कि अनुराग दीक्षित का भी कि भाई चंडीगढ़ जोन के बच्चों की तमाम शिकायतें आ रही हैं कि उनसे उनके आंसर की नहीं खुल रही। आज तारीख हो गई है 17 और 17 तारीख के बाद 19 तारीख ही है उनके ऑब्जेक्शन उठाने की डेट। अब जब उनकी आंसर की ही नहीं खुल रही है तो वो ऑब्जेक्शन कैसे देख पाएंगे कि मेरे किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हमको करना है, और जब ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे तो उनके नंबर निश्चित तौर पर किसी के बढ़ने होंगे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। और बच्चों ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई ईमेल आईडी पर और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर पर जब वो बच्चे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। अरे जब आपको फ़ोन ही नहीं उठाना है तो फिर नंबर किस लिए देते हो? ईमेल आईडी पे बच्चों ने ईमेल करी है, 48 घंटे हो रहे हैं, बच्चों के ईमेल का जवाब नहीं दे रहे। तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ से कम बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। एक तो 3.5 साल बाद एग्जाम कराएं और उसके बाद भी अब चंडीगढ़ जोन के मेरे पास कम से कम 15 शिकायतें हैं ऐसे बच्चों की। तो भैया उनकी तरफ से मेरा निवेदन है रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ से, अगर कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो तो वहां तक ये खबर फैलाए और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई आपके भाई लोग, अगर कल आपके साथ ऐसा हो जाता कि आपके भर्ती जोन आपके जोन में आपके आंसर की नहीं ओपन हो रही होती तो आपके सपोर्ट के लिए भी कोई होता, तो भैया उनका सपोर्ट करो, वीडियो को बहुत शेयर करो ताकि ये बात वहां तक पहुंचे और उनके आंसर की को रिलीज किया जा सके। थैंक यू।